अस्सलाम वालेकुम जीते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सौंफ के ऊपर, जिसे हम फिनल सीड के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर हम इफादत की बात करें तो ये कदीम ज़माने से ही बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि ये हमारे निज़ाम हज़म को भी बेहतर कर देता है और उसके साथ साथ इसके और भी बेतहाशा फ़ायदे हैं। जो तिब की दुनिया है इसमें इसको लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो हम फकी खा रहे होते हैं या फिर हम चूरन खा रहे होते हैं उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमारे हाजमे को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है और इसके साथ साथ हमारे बाकी जो फंक्शंस हैं बॉडी के उनको भी बेहतर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। जब हम खाना खा लेते हैं तो खाने के बाद हमारा जो खाना होता है वो हजम नहीं होता है, तो फिर हमें किसी न किसी बेवरेज का सहारा लेना पड़ता है। हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं आपकी हड्डियों में कीड़ा लगा देती हैं, आपकी हड्डियों को ख़राब कर देती हैं और आपके जिस्म की फंक्शनैलिटी को भी पुअर कर देते हैं, जिस वजह से बाद में हमें पीसीओएस के मसले होने लग जाते हैं और इसके साथ साथ मोटापे का भी हम शिकार होने लग जाते हैं। अगर आप बेवरेज की जगह पे जस्ट इसकी एक चुटकी हर खाने के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपके निज़ाम हजम के जो मसले होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप इसका एक चूरन भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक हमने आई बटन में दे दिया है। नहायत ही मुफीद है, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, उससे आपको भूख भी लगेगी और बच्चों के लिए मुफीद है और बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपने खुद इसको बना लेना है और बनाने के बाद अपने हर खाने के बाद उसकी एक चुटकी आपने खा लेनी है, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा मसला रहता है, उनके पेट के अंदर गैस हो जाती है, बेसिकली तो उनका निज़ाम हजम ठीक नहीं है, अंदर ही अंदर उनकी जो है बीमारियां पल रही हैं, एसिड पल रहा है जिसकी वजह से उनका जो मैदा होता है वो बर्बाद होने लग जाता है, तो उस केस में भी इसका खाना नहायती मुफीद होता है, तो इसलिए भी आप इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपका वेट कम नहीं हो रहा, अगर आपकी स्टबन फैट नहीं है, आप जो है वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो उस केस में भी ये नहायती मुफीद होता है। लेकिन उसके खाने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है कि आपने पहले इसको अच्छी तरह से भून लेना है और भूनने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है। एक गिलास आप पानी लें और पानी को आप बॉयल करें और उसके अंदर आपने इसका जुशांदा बना लेना है, और वो जुशांदा आप सुबह के टाइम पी सकते हैं, दोपहर में भी पी सकते हैं और रात में भी पी सकते हैं। अगर आप इसका रात में इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी और आपका वेट लॉस भी होने लग जाएगा। जब आपका वेट लॉस होगा, आपकी नींद अच्छी होगी, तो उसके साथ साथ आपके कॉन्स्टिपेशन का भी मसला ठीक होगा, तो इससे ऑटोमेटिकली जो आपकी स्किन है वो भी खूबसूरत होने लग जाएगी, कलर भी इससे फेयर होने लग जाएगा और पिंपल और एक्नी का जो मसला है वो भी इससे रिमूव होने लग जाएगा। तो आप इसलिए भी इसका डेली बेसिस के ऊपर लाजमी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से निजात पा लेंगे। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और सस्ती चीज़ है, पाकिस्तान में इजिली अवेलेबल है। आपने बिल्कुल हरे रंग का जो है पेंट किया हुआ सौंफ नहीं लेना है, आपने नॉर्मल जो कलर का सौंफ होता है वही यूज़ करना है, आसानी से आपको मिल जाएगा, इसलिए आप इसका लाजमी इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको फ़ायदा हो तो आपने हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भी लाजमी बताना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।